हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी ऑडियंस को जो है बहुत बहुत जो है थैंक्स जो है आज की फैमिली के लिए जो कि काफी बढ़ रही है। और अब जो है साथ ही आपका वेलकम करता हूं मैं आपका आप ही के अपने चैनल न्यू टेक इजी में। और जो है आज जो हम किस बारे में बात करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। अब जो एग्जाम का टाइम आ रहा है, बोर्ड वालों को फ्रेशर है, बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स जो भी बंदा पढ़ता है वो बंदा आज भी स्टूडेंट ही है, उसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन जो है मैं बताता रहता हूँ। तो आज जो है बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छा है जो है एप्लीकेशन, उसका नाम जो है मैं बता देता हूँ और उसका जो है क्या वर्क करता है, क्या काम है और इसका जो है क्या करे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है हमारे साथ, हमारे लाइफ में हम क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जो भी सब्जेक्ट हो, एवरीबॉडी जो भी सब्जेक्ट का जो भी क्वेश्चन हो, हम सॉल्व करते करते अटक जाते हैं, यार ये क्या हुआ, आंसर नहीं आ रहा, दोबारा सॉल्व करते हैं, करते करते अटक जाते हैं, दोबारा सॉल्व करते हैं, अटक जाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ बच्चों की, कुछ स्टूडेंट्स की आदत क्या बन जाती है वो मैं आपको बताता हूँ कि आदत बन जाती है उनको, वो अपनी पॉजिटिव सोच के गुलाम बन जाते हैं। थॉट्स के गुलाम मत बनो, अपनी सोच के गुलाम मत बनो, नेवर बी बिकम ए सर्वेंट ऑफ योर थॉट्स, अपनी सोच के गुलाम मत बनो। ये बात स्वामी विवेकानंद में भी, विवेकानंद जी ने भी कही हुई है। अब एक्चुअली क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो अपने आप को कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, एक्चुअली वो होते भी इंटेलिजेंट ही है, वो क्यों क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और सोल्व करते करते उनको नहीं आता, वो एक बार निकाले फिर से नहीं है, दो बार निकाले, तीन बार निकाले, चार बार उस क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अपना क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं जरूर करूंगा, क्योंकि वह है पॉजिटिव सोच के गुलाम। वो सोचते हैं कि यदि हमारी सोच पॉजिटिव होगी, यदि हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो मैं जो है हमारा जो रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको अपनी पॉजिटिव, अपनी सोच का गुलाम नहीं बनना है। ये पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर को छोड़िए, यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप उसका जो है देखिए सॉल्यूशन किस तरह से हम कर सकते हैं। वो नहीं आ रहा है बार बार तो पूछिए, अपने आप में ईगो मत रखिए, अपने पॉजिटिव सोच, अब कुछ ईगो तो नहीं रखते लेकिन पॉजिटिव सोच के गुलाम हो जाते हैं। हमारी सोच तो सकारात्मक है ना, मैं ये क्यों नहीं कर सकता, जरूर कर सकता हूँ, इम्पॉसिबल इज सेज दैट आई एम पॉसिबल, है ना, आई इम्पॉसिबल तो खुद कहता है मैं पॉसिबल हुई, ऐसा देखिए ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं होता है। कुछ जो चीजें इम्पॉसिबल है वो एक्चुअली इम्पॉसिबल है। सूरज पूर्व में उगता है, सूरज जो है पूर्व में उगता है, पश्चिम में छिपता है तो पश्चिम में ही छिपेगा, ये इम्पॉसिबल चीज है। आप उसे पश्चिम से पूर्व में कर दो, पूर्व से पश्चिम में कर दो, करो ये इम्पॉसिबल है करके बताओ, नहीं कर सकते ना। तो इस तरह के बहुत सारे टास्क जो इम्पॉसिबल है जो है भैया, कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, पॉजिटिव थॉट रख के कुछ नहीं होगा कि मैं तो सूरज को पश्चिम में उगा के दिखाऊंगा, तो भैया ऐसा नहीं होता है। आपको जो इम्पॉसिबल चीज है वो है अपनी पॉजिटिव सोच को बदले। देखिए आपकी सोच ना पॉजिटिव होनी चाहिए ना नेगेटिव होनी चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए बिल्कुल राइट सही। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि आप अपने जो है सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा जो है परेशान हो मत होइए। अब आपको क्या करना, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस ऐप के थ्रू, जिसका नाम जो है मैं अभी बताने वाला हूँ, उस ऐप के थ्रू आपको सबसे पहले करना क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले इस ऐप का नाम मैं आपको बताता हूँ, तो इस ऐप का नाम है सोक्रेटिक। एक्चुअली ये ऐप करता क्या है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये ऐप आपको कैमरा सुविधा उपलब्ध करवाएगा और जो आपका क्वेश्चन है उसको अंडरलाइन कर लेना है सबसे पहले, और उस क्वेश्चन को जो है एक पट्टी सी बनाकर, जो है क्रॉप वाला सिस्टम आता है ना, फोटोशॉप वाले बहुत सारे वीडियो में बताए हैं आपके फोन में, मेरा क्रॉप वाला सिस्टम आता है, उतनी सी पट्टी सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से मान लीजिए इतना बड़ा कैमरा खुलता है तो जो क्वेश्चन तक की पट्टी है वो सिलेक्ट कर लीजिए, ज्यादा जो है बड़ा सिलेक्ट मत कीजिए वरना जो है क्वेश्चन बताने में जो प्रॉब्लम हो जाती है हल बताने में। जैसे आप क्वेश्चन की फोटो खींच लेते हैं और जो फोटो चली जाती है जो है डायरेक्ट एक्सपर्ट्स के पास, और स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन मिलता है, और तीन चार तरीकों से इसका सॉल्यूशन मिलता है, एक तरीके से नहीं तीन चार तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन मिलता रहता है। और इस तरह से जो है आप देख रहे हैं साइड में कि किस तरह से इसका जो है वर्क करता है, और बहुत ही आसानी से आप इसमें जो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा जो है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस की, तो आपको हिंदी और इंग्लिश उर्दू जो भी आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी उसी के लैंग्वेज में जो है आपको आंसर निकाल के देगा। उर्दू में यदि आपका क्वेश्चन हुआ तो उर्दू में आंसर निकाल देगा, होगा संस्कृत में होगा तो संस्कृत में आपको आंसर जो है खोज कर देगा। बहुत ही अच्छा ऐप है, ऐसे ऐप्स को आपको अपने फोन में जो है इंस्टॉल रखना चाहिए। देखिए दो तरीके, दो पक्ष होते हैं आपके फोन को चलाने के, ये तो भैया आप फोन के गुलाम बन जाओ या फोन को अपना गुलाम बना लो, अब सोचना आपको है कि आपको क्या करना है, खुद गुलाम बनना है या गुलाम बनाना है। बहुत दिन बन लिए गुलाम, तो अब आप जो है इसका यूज करो, सही दिशा में यूज करो हो, और बहुत ही जो है अच्छी तरीके से जो है इसका यूज करो। फोन केवल आशिकी के लिए नहीं होता है,
आप जो अपने पर्सनल यूज में लो, जो आपके जो काम के लिए है उस काम को करो, जो है सही दिशा में लेकर चलो, तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा। और ये बहुत ही अच्छा तरीका लगा मुझे, इसलिए आपको शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ये वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दिल की प्यारी वाले कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना ना भूले। और तो दोस्तों मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। पहुंच गए सोक्रेटिक। सोक्रेटिक।